हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तुलसी शर्मा। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ न्यूड शेड जो हैं लैक्मे फॉरएवर मैट लिक्विड लिपस्टिक्स ब्रांड के। फ्रेंड्स, मैं दो शेड आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे वीडियोस पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं और उन शेड को देख सकते हैं। और आज मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया है न्यूड शेड के लिए, तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ दो न्यूड शेड। और फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल रहे, पसंद आए, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स का शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट शेड है मेरा ये, और ये है 17 न्यूड मिथ। आप देख सकते हैं इसके बॉटम पर लिखा हुआ है इसका शेड। और फ्रेंड्स, ये आपको मिल जाता है क्वांटिटी में 5.6 ml। फ्रेंड्स, इसका सेल्फ लाइफ आपको 2 ईयर्स का मिल जाता है, अप टू 2021 तक आप इसको यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसका जो प्राइस है वो है 295, तो अंडर 300 आपको ये लिपस्टिक मिल जाता है। जितने भी लिक्विड लिपस्टिक्स हैं अच्छे ब्रांड्स के, वो सारे ही बहुत ही कॉस्टली पड़ जाते हैं, और ये अंडर 300 काफी अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाता है, काफी अच्छे ब्रांड में आपको लिक्विड लिपस्टिक मिल जाता है। तो ये मुझे बहुत पसंद आया, मैं इनको पहले भी यूज कर चुकी हूँ। और अब बारी थी न्यूड शेड की, तो चलिए चेक कर लेते हैं न्यूड शेड जैसे दिखते हैं वैसे निकलते हैं या नहीं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बोला था न्यूड शेड के लिए स्पेशली, तो इसीलिए मैंने स्पेशल न्यूड शेड पर ये वीडियो बनाया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, दिखने में इसका बॉटल बड़ा ही स्लिम है, आप देख सकते हो बहुत ही पतला सा है, और इसे जब आप खोलेंगे तो निकलेगा इसका एप्लीकेटर, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही स्पंजी नहीं है बट कंफर्टेबल है, आप अच्छे से इसे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए चेक कर लेते हैं इसका शेड लगने के बाद कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये शेड अप्लाई कर लिया है, अब आप देख सकते हैं पिक्चर में साइड से इंसर्ट कर रही हूं, तो आप देख सकते हैं कितना सिमिलर है ये शेड। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों को हो सकता है ये शेड बहुत पसंद हो, पर्सनली मुझे ये शेड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि न्यूड शेड मुझे कम पसंद है, उतने ज़्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए मैं मोस्टली परचेज ही नहीं करती हूँ। मैंने अपने फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट की वजह से ये न्यूड शेड परचेज किए हैं। अब आप देख सकते हैं, जिन लोगों को न्यूड शेड बहुत पसंद है, हो सकता है उन्हें ये शेड पसंद आए, बट हाँ, जैसा पिक्चर में दिखाया है वैसा सिमिलर शेड है, बट लाइटिंग की वजह से वो थोड़ा डार्क लग रहा है और ये उतना डार्क नहीं लग रहा है। फ्रेंड्स, ये है मेरा सेकेंड लिपस्टिक, और इसका जो शेड है वो है 19 न्यूड ट्विस्ट, और इसका प्राइस और क्वांटिटी सेम है। तो फ्रेंड्स, चलिए चेक कर लेते हैं इसका भी शेड कैसा लगता है लगाने के बाद, और पिक्चर से सिमिलर है या नहीं, तो चलिए लगा के देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप मेरा सेकंड शेड जिसका नेम है 19 न्यूड ट्विस्ट, तो आप देख सकते हैं लगाने के बाद ये कितना सिमिलर है, और ये शेड मुझे बहुत पसंद आया। न्यूड शेड मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, उसके अकॉर्डिंग ये शेड मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे ऊपर लगाने के बाद भी काफी अच्छा लग रहा है, तो ये शेड मुझे पसंद आया, मेरी तरफ से इसके लिए तो थम्स अप है। तो फ्रेंड्स, लगाने के बाद काफी अच्छा लग रहा है और सिमिलर शेड लग रहा है मुझे तो, और आपको सिमिलर लगा या नहीं लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो में ये भी टेस्ट कर लेते हैं ये वाटर रेसिस्टेंट है या नहीं। तो फ्रेंड्स, इस बोतल में है वाटर, और मैंने अपने हैंड पर लिपस्टिक्स अप्लाई कर रखे हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो मैंने वाटर डाल दिया है फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं अब ये निकलेंगे या नहीं। बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं फ्रेंड्स, तो वाटर रेसिस्टेंट तो ये हैं। ये ट्रांसफर होते हैं या नहीं, मैंने लास्ट वीडियो में आपके सामने टेस्ट करके दिखाया था, तो ये बहुत ही हल्का सा ट्रांसफर होते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में ट्रांसफर नहीं होते हैं।
तो काफी अच्छे लिपस्टिक्स हैं। और फ्रेंड्स बात की जाए लॉन्ग लास्टिंग की, तो मैंने इनको पूरे दिन लगा के रखा था जब मैंने वीडियो बनाया था, तो उसके बाद मैंने पूरा दिन तो नहीं 6 से 7 घंटे लगा के रखा था, उसके बाद मैंने इसको रिमूव कर दिया था। तो ये लॉन्ग लास्टिंग भी हैं, आप अगर किसी फंक्शन में जाते हैं तो 7 6 7 घंटे ये आपके लिप्स पे जैसे के तैसे रहेगा, बिल्कुल भी लाइट नहीं होगा। और फ्रेंड्स उसके बाद हो सकता है आपके लिप्स थोड़े से ड्राई हो जाएं, तो आपको दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ जाए, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होता है, निकलता भी नहीं है बहुत ज़्यादा खाने पीने से, क्योंकि मैंने खाना भी खाया था तो बहुत ज़्यादा कलर नहीं निकला था। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे लगे ये लिपस्टिक्स मुझे अंडर 300, और क्या चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग है और वाटर रेसिस्टेंट है, नन ट्रांसफरेबल हैं, और फ्रेंड्स 300 में इतना कुछ मिल रहा है। तो फ्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंग तो ये लिपस्टिक्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो फ्रेंड्स आपको कौन सा शेड पसंद आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स का शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।